अपराधियों से मुठभेड़ में कभी कभी अपराधी मारे जाते हैं, कभी कभी पुलिस के और हमारे सेना के जवान हमारे वो भी शहीद हो जाते हैं, लेकिन जो असली एनकाउंटर होता है उसमें अगर मुठभेड़ सच्ची है तो इसका इसकी सराहना होनी चाहिए, लेकिन अगर ये मुठभेड़ झूठी है तो ये तो बहुत बड़ा अपराध है। और भारत में एक न्यायपालिका है, भारत में एक लोकतंत्र है, और इस स्वस्थ लोकतंत्र में नरेंद्र मोदी जी ने जो मूल और मर्यादा स्थापित की है इन 10-11 सालों में, तो इसकी इस पर बहुत स्पष्ट इस विषय को स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि एनकाउंटर फेक है तो गलत है, क्योंकि यह हत्या है, और अगर एनकाउंटर सच्चा है तो फिर ठीक है, इसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन ये जांच का विषय है। अखिलेश यादव जी विपक्ष के बहुत बड़े नेता हैं, मैं चाहूंगा कि इसको बात को ऊपर तक ले जाएं। देश की जनता जानना चाहती है कि ये एनकाउंटर असली है या नकली है। एक दूसरा सवाल बसपा सुप्रीमो मायावती, कि कांग्रेस पार्टी से दलित लीडर्स को अपना जो गठबंधन है वो तोड़ देना चाहिए, क्योंकि दलितों के खिलाफ में कांग्रेस पार्टी अंबेडकर साहब के जमाने से रही है। देखिए, कांग्रेस के इतने पाप हैं, कहां कहां तक क्या क्या छोड़ेंगे, पापों की गठरी बहुत भारी हो चुकी है, अब तो प्राश्चित का भी कोई मार्ग नहीं बचा। और राहुल गांधी जी की जो कांग्रेस है, ये देखने में लगता है खड़गे जी की कांग्रेस है, ये खड़गे जी की कांग्रेस नहीं है। ये जितने भी वर्किंग कमेटी में ऑल इंडिया ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में जितने बड़े बड़े पदाधिकारी तुम्हें देखने को दिखाई दे रहे हैं, ये सब गांधी जी के तीन बंदरों की तरह है, ये न देखते हैं न सुनते हैं न बोलते हैं। तो कांग्रेस की दुर्दशा होना सुनिश्चित है, कहीं 2-4 सीट जीत जाओ उसके कई कारण हो सकते हैं। हरियाणा में मुझे नहीं लगता, शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनना सुनिश्चित है, पर अब शैलजा जी का अपमान जो है मुझे लगता है कि वो भारी पड़ेगा। जिस तरह मैंने बोला था ना चुनाव से पहले, सनातन का श्राप ले डूबा, तो मुझे लगता है हरियाणा में शैलजा का श्राप ले डूबेगा। पूछता है कि कुमारी शैलजा को अपमानित किया जा रहा हरियाणा में, और अगर बीजेपी अगर वो आना चाहती है, फिर मुझे नहीं पता बीजेपी उनसे संपर्क कर रही है, मुझे नहीं पता शैलजा जी बीजेपी से संपर्क कर रही है, लेकिन अगर शैलजा जी का हृदय दुखी है तो फिर शैलजा का श्राप कोई झेल नहीं पाएगा।